हाँ तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर स्पेस कितना है। बाकी आप देख सकते हो, पहले स्पेस देख लीजिए, आपको मतलब 2% आराम से इसमें रह सकते हैं। देखिए तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से करने वीडियो। तो गाइस फिर से आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो गाइस मैं हूँ रंजीत, आप देख रहे हैं रंजीत ब्लॉग। तो गाइस आज की वीडियो में क्या है, खास आप लोगों को पहले ही बता दूँ, मैं आपके लिए 2% लाया हूँ जो कि अभी आपको ओपन करके एंड सेटअप को दिखाऊँगा और आप लोगों को बता दूँ मैंने ये जगह चुनी है सेटअप के लिए। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस जगह पर, क्योंकि काफ़ी सारे पेड़ खड़े हुए हैं और उसको भी सफाई करना पड़ेगा। तो आप कई बार लोकेशन देख लीजिए। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ पेड़ मैंने काट दिए हैं और कुछ अभी सफाई करनी यहाँ पर बाकी है। बाकी काफ़ी अच्छी जगह है, गर्मियों के दिनों में तो यहाँ पर काफ़ी मतलब सुकून मिलता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है और खेतों में भी पानी लगा रखा है हमने, हमारे खुद के अपने खेत हैं। बाकी आप देख सकते हो अभी यहाँ पे हम झाड़ू वाड़ू लगा के हम सेटअप करके उसके बाद यहाँ पर टेंट कर। सुबह के 8 बज चुके हैं तो मैं काफ़ी समय से यहाँ पर लगा हुआ हूँ सफाई करने में, क्योंकि यहाँ पे पूरे में से घास खड़ी हुई थी, उसको मैंने अभी काटा है फावड़े से और आप देख सकते हो अभी भी कोई कम्प्लीट सफाई नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ तो बस फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद थोड़ा बहुत सफाई हो चुका है हमारे, इतने में हम सफाई कर चुके हैं जितने में हमारा टेंट लग सके। तो गाइस अब मैं उसके बाद सिर्फ झाड़ू मारना रह गया है, मैं अपने साथियों के पेड़ों से बना हुआ थैला लाया हूँ जिससे कि मैं अभी सब सफाई करके आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम टेंट सेटअप करने वाले हैं। गाइस मैं साथ में लाया था चने जो कि मैं सुबह खाना स्टार्ट कर दिया मैंने, बाकी आपको भी खाने तो आप खा सकते हो। एक मिनट की निकाल रहा हूँ मैं, अभी देख सकते हो गाइस चने खा रहा हूँ मैं अभी साथ में, और आपको भी खाने तो खा सकते हो, सेहत के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो चलो वीडियो को एंजॉय करते हैं। हाँ तो गाइस आप देख सकते हो कितना फसल निकल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन कोई नहीं और नॉर्मल गांव के पीछे हमारे यहाँ फिर भी यहाँ पर ठीक है माहौल, क्योंकि अब देख सकते हो पीछे काफ़ी अच्छी हमारे यहाँ पाली हो रखती है। और बाकी हाँ गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको काफ़ी आनंद आएगा ऐसी वीडियो खाई दिया। तो गाइस फाइनली मैं सफाई कर चुका हूँ, उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा झाड़ू मार दूँ जिससे कि जो भी लकड़ियाँ हैं जिससे हमारा टेंट फटे ना, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। और गाइस आपको लोगों को बता दूं इसमें काफ़ी मेहनत लग रही है, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए रिचेस कुछ भी करेगा, क्योंकि आप लोगों तो मैं हूँ वरना मैं भी हूँ। मैं अकेला ही लगा हुआ था लेकिन अभी तक कोई कैमरा पकड़ने वाला व्यक्ति भी नहीं था मेरे पास, लेकिन अभी मेरा फ्रेंड आ गया है जो मुझे सपोर्ट करेगा, मैं उसको सपोर्ट करूँगा, मैं तो इतना जानता हूँ भाई। हाँ तो गाइस फाइनली अब मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। देखिए गाइस ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाया था, आपको चलने कोई दिक्कत ना, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट माना जा रहा है ये। तो सबसे पहले अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ और गाइस आप लोगों को काफ़ी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं टेंट लगाने में, क्योंकि जब कोई फर्स्ट टाइम टेंट लगाता है तो बताते हैं कोई खाड़ लेता है कोई कुछ कर लेता है, लेकिन समझा ऐसा नहीं हुआ। हाँ तो गाइस ये निकला है अपना टेंट, साथ में है ये स्टिक जो भी अगर आपको मैं निकाल कर दिखाता हूँ। ये
बाकी ये चार की टाइप की निकली हुई है जिससे चारों कॉर्नर पर लगा के इसको हम सेट कर सकते हैं। हाँ तो गाइस चलो अब इसको सेटअप करते हैं और आप लोगों का साथ देना रखनी होगी क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आता है टेंट लगाना, जो पूरी जगह रखते हैं इसकी वजह से। बाकी आप सबसे पहले आपको इसको चारों कॉर्नर पकड़ के फैला लेना है। हाँ तो गाइस ये रॉड्स होती हैं उनको आपको स्ट्रेट कर लेना है, कट कर लेना है पूरी तरीके से फिक्स एकदम, और सारा खाली खेल इन्हीं का होता है गाइस, रॉड्स ऐसे फिक्स हो गए और इनको एकदम ध्यानपूर्वक पूरा डालना होता है इसमें। और आपको बता दूँ ये डालने का सही तरीका क्या होता है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर और उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर डालने का सही तरीका होता है, इसलिए मैं इसको इधर से डाल रहा हूँ। और ये डालते समय आपको काफ़ी ध्यान से डालना होगा क्योंकि यही कारण है जिससे कि ये टेंट फट सकती है, बाकी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे जॉइंट होने के बाद इधर से एक छोटा सा कट लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से निकालने के बाद इस साइड में फंसाना है, इसको काफ़ी ध्यानपूर्वक करना है क्योंकि तो नए लोग होते हैं वो जल्दबाजी में यहीं से मतलब फाड़ देते हैं टेंट को, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोनों साइड ऊपर कर लेनी है आपको डालने के बाद, जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरा लगभग एक स्टिकर भी तैयार हो गया है। हाँ तो भाई इसको इस बार भी हम इधर से डालेंगे। हाँ तो भाई जब आप ऐसा दोनों स्टिक डाल लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस चारों कॉर्नर पे ऐसे होल दिए गए होंगे उसमें आपको ये फर्स्ट स्टिक फंसानी है सही तरीके से जिससे कि फिक्स बैठ जाए। हाँ तो गाइस फाइनल लुक अपना ये आता है, उसके बाद ये आपको एक ऊपर धागा दिया रखा होगा जिससे कि आप उसको बांध सकते हो। ये हमारे टाइम तो ज़्यादा छोटा हो गया, हमने इतनी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन कोई नहीं नेक्स्ट बार हम मंगाएंगे तो थोड़ा इसके बेट मंगाएंगे, मुझे लगा था ठीक ठाक आया टेंट लेकिन ये तो ज़्यादा ही छोटा हो गया। बाकी आपको ये दर्शा आपको एक डोर मिल जाता है, इसमें तो एक नेट भी लगी हुई है भाई, तो टोपिंग दो एक बार वाओ ठीक है भाई, इसमें आप आराम से एक लोग तो रह सकता है आराम से, बाकी आप देख सकते हो मैं इसमें आराम से बैठ चुका हूँ और पूरा इसमें लेट सकता हूँ, काफ़ी आसानी से आप लेट सकते हो और एक हाँ दो व्यक्ति आराम से लेट सकते हैं, थोड़ा बहुत आपका सामान भी आ जाएगा इसमें और काफ़ी आरामदायक है। इसकी अब कैप लगानी चाहिए, इसको भी मैं लगाता हूँ।
हाँ तो गाइस फाइनली हमारा टेंट लग के तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको ऊपर से एक कैप लगानी होती है, जिससे कि बारिश बारिश के टाइम पर बारिश की मतलब वाटर प्रूफ बताया जाता है। मैंने तो अभी तक इतना यूज नहीं किया, लेकिन उसको लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस चार ऊपर कॉर्नर चाहिए दिया होगा, उसमें आप फंसाना है और काफ़ी आसानी से लग के तैयार हो जाता है। और एक बार ठीक ठाक है टेंट, कोई हमारा कोई कॉस्टली टेंट नहीं था, लेकिन ठीक है जिसमें हम बाहर नहीं जाते हैं सर्वाइव कर सकते हैं। इतना छोटा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, लेकिन इसमें आसानी से मैं आप अंदर आके देख सकते हो, काफ़ी स्पेस देखने को मिलता है, लेकिन बाहर से छोटा लग रहा है। और यहाँ पर मैं आसानी से लिट सकता हूँ और कम्फर्टेबल है टेंट। और जैसे कि आप थोड़ा बहुत सामान लाते हो तो उसको भी आप साथ में रख सकते हो। जैसे मेरे पास सामान है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हमारे पास एक बैग लाया तो मैं अपने साथ में, उसमें थोड़ा मेरा सामान रखा हुआ है, इसको भी आप साथ में अंदर रख सकते हो और लेट भी सकते हो आसानी से। हाँ तो गाइस आप ये तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।